हेलो एंड जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPPEB यानी कि MP-WAPM ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको जो ग्रुप 5 के अंदर पोस्ट निकाली है इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। पहले इस भर्ती का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो 1248 वैकेंसी थी, बट बाद में रिवाइज्ड करके अब टोटल वैकेंसी आपकी 1261 है। इसमें आप लोग 28 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी है, किस कैटेगरी के लिए, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप MP के अलावा अन्य स्टेट से है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो आपका MP रोजगार कार्यालय किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसमें फिर कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग MP डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी, वो वीडियो वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा एंड देन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहां पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और उस पोस्ट को किस पोस्ट कोड के तहत रखा गया है। नीचे आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। यहां पर सभी पोस्ट के नाम, पोस्ट कोड एंड क्वालिफिकेशन दी गई है, तो ये सब जानकारी आपने यहां पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। 3 पॉइंट में आपको ग्रुप 5 की पोस्ट देखने को मिल पा रही है। अब आपको यहां पर जो ग्रीन है इसके ऊपर आवेदन करें पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहां पर डिक्लेरेशन को राइट क्लिक करना है और फिर आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आपने MPPEB की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है तो आपको यहां पर जो आपका पंजीकरण क्रमांक है वो यहां पर डालना है और जो आपकी DOB है जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी वो DOB आपको सिलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने पहले कभी भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। बट उसके पहले यह भी बता दूं कि अगर आपने मान लीजिए पहले से इसके अंदर अकाउंट बना करके रखा है और आप उस जानकारी के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक देना होगा, जो पासवर्ड आपको मिला था वो पासवर्ड डालना होगा, ये कैप्चा कोड फिल करना होगा और फिर प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करके अपनी जानकारी एडिट कर लेनी है। बट अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर में आपको यहां पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपके पास नहीं है, इसलिए आप यहां पर नहीं कर देंगे। अब नहीं करने के बाद में यहां पर आपके सामने आता है प्रोफाइल पंजीयन, तो इसमें आपको आपका अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यह नंबर आपका आधार कार्ड के साथ भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यह कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो भी यहां पर नंबर है उसको जोड़ करके लिखना है और फिर OTP प्राप्त करने के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहां पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहां पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं, तो हम यहां से हां कर देते हैं और हां करने के बाद आपके सामने यहां पर पंजीकरण करने का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहां पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहां पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन EKYC। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हां कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, EKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर EKYC
बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं, और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चर कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है, और फिर आपको जनरेट ई केवाईसी ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट ई केवाईसी ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, तब जा करके आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। दोस्तों, जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाए, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है, और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है, ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप वैवाहिक है, यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा, अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्मतिथि यहाँ पर देनी होगी, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है, मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है, आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं, और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, कोई एक आईडी आपको यहां पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहां पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है, अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको उसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए, तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी, आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है जिससे कि इस टेम्पलेट
के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा, साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें, यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट हो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसके इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है, इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद को आप सेव कर लीजिए, या फिर यहाँ से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है, जो लिंक मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में दिया है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे आपको यहाँ पर फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिक्लेरेशन आएगा, आपको टिक करके आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है पंजीकरण करने के बाद में, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, वो यहाँ पर डालना है। DOB आपने सेलेक्ट की थी वो यहां पर आप डाल दीजिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो जानकारी अभी भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है, तो ये सब जानकारी आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते तो एडिट प्रोफाइल रिलेशन इसके ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो यहां पर आगे बढ़ाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बेसिकली अब आती है आपके सामने फॉर्म की जानकारी, तो 34 पॉइंट है, इनमें से अगर आपकी कोई क्लास है भूतपूर्व दिव्यांग तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे यहां पर कुछ सवाल पूछे हैं, तो बेसिकली इन सवालों के जवाब आपको आंसर करने हैं। जैसे कि पहला है 35 पॉइंट, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आप नहीं कर दीजिए। इसके बाद आता है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, निकायों, होमगार्ड है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नहीं करना है। देन सवाल है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो बेसिकली आपको इन सवालों को पढ़ना है, इनके ऊपर इन पे जो आपका आपके ऊपर लागू हो रहा है सवाल तो उसमें हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मेरे ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ लागू नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगला आता है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों 45 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है, अगर हाँ, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं जैसे कि जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारियों, इसके अलावा कार्यभारित, तो अगर आप इनमें से है तो आप यहाँ पर हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आप नहीं कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों
आपके सामने वो सभी पोस्ट आ चुकी है जिन पोस्ट पर ये फॉर्म निकाला है। तो आपको यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम बी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट ए को सेलेक्ट करते हैं। जितनी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप एलिजिबल है उस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक है टू सेलेक्ट प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वेबसाइट रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश होने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आकर के आप लोग देखेंगे कि आपके यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नाम दिया, यानी कि कार्यालय का नाम, पद नाम दिया है, क्वालिफिकेशन उस पर क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए वो दी गई है। तो आपको उनको वेरीफाई करना है और देखना है कि आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कि हाँ, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप किस तरफ आ जाएगी कि आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी पुश स्टाफ नर्स, तो आप इस पर अप्लाई करना चाहते तो आप हाँ कीजिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए, ये आपकी इस तरफ आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से मेल नर्स इस डिपार्टमेंट के अंदर भी है, आप इसको भी प्रेफरेंस देना चाहते तो आप हाँ कीजिए और पोस्ट कोड भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में जिस पर आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते उसमें आप नहीं नहीं कर देंगे। जिसको प्रेफरेंस दे रहे उसमें हाँ कीजिए और जिसमें नहीं दे रहे उसमें नहीं कर दीजिए। अब नहीं करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर 46 पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, पंजीयन होना अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो एंटर करेंगे। ये नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे कि कब आपने रजिस्ट्रेशन किया है। ये चाहे एमपी के हो चाहे अन्य स्टेट के, सभी के लिए अनिवार्य है। तो आपने यहाँ पर ये किया। फिर आपको जिला सेलेक्ट करना है कि किस जिले के अंदर आपने पंजीयन करवाया है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 47 पॉइंट है कि जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो क्या उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर 48 पॉइंट आप रीड करेंगे। 50 पॉइंट आपका दिया गया आधार कार्ड नंबर। अब आता है 51 पॉइंट, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। पहले आप चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस किसको देना है, थर्ड किसको देना है, फोर्थ किसको देना है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे एंड सभी जानकारी वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उन सभी को आप यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से आप इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिएगा अभी डेमो के रूप में। एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आकर के आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। किसी भी माध्यम से फीस को जमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एमपीपीईबी ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।